काफ़ी रियायत दी गई है, जैसे इंडस्ट्री को खोलने के लिए परमिशन किया है, जो निर्माण कार्य हैं उनको खोला गया है, जो हमारे कृषि से जुड़े हुए जो दुकानें हैं उनको खोलने के लिए परमिशन किया है, जो मोटर मैकेनिक हैं उनको ओपन किया गया है। इसी तरह से अनेक ऐसे जो काम हैं जो प्रारंभ हो गए हैं, एक तरह से अब आर्थिक गतिविधियाँ थोड़ा बहुत ये प्रारंभ कर दी गई। अभी हम बात करें सर पूरे प्रदेश के हमारे क्या हालात हैं? देखिए, राज्य में अभी हम ये कह सकते हैं कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। कुछ जमातियों के द्वारा ज़रूर दिक्कतें आई हैं, कुछ लोग बाहर से आए और वो संक्रमित पाए गए, लेकिन हमारी जो स्वास्थ्यकर्मी हैं, हमारे जो पुलिस के लोग हैं, निश्चित रूप से उनकी भूमिका बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही प्रशंसनीय है। जिस तरह से वो लोग फ्रंट लाइन में रह कर के काम कर रहे हैं, आज समाज ये मानने लगा है कि सरकार किस ढंग से काम करती है और किस ढंग से कर सकती है। हमारे जो स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं, हमारे जो पुलिस के लोग हैं, अनेक सामाजिक संगठन हैं, आज उनका आत्मविश्वास ये बढ़ा है। सर, उत्तराखंड की जनता से कोई अपील आप करना चाहेंगे, जिस तरह से जनता ने सहमत था? देखिए, प्रदेशवासियों से यही कहना चाहूँगा कि आपने जिस तरह से पिछले 22 मार्च से आप लोग सहयोग कर रहे हैं, ये सहयोग आपका आगे भी बना रहे, इसके लिए मैं उनसे बिल्कुल विनम्र भाव से प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि जो ये कोरोना वायरस है, ये इसका कोई रूप नहीं है। ये किस रूप में सामने आ जाए, किस रूप में अटैक कर ले, कुछ नहीं कहा जा सकता है, और उसके लिए सामाजिक दूरी से बढ़िया कोई समाधान नहीं है, कोई समाधान नहीं है। वैज्ञानिक आज यही सजेस्ट कर रहे हैं, यही सुझा रहे हैं, यही समझा रहे हैं कि आप सामाजिक दूरी बनाकर रखिए, कोरोना आपके पास नहीं आएगा। ये जो लक्ष्मण रेखा है सामाजिक दूरी की, वही इसका समाधान है, उसको बनाए रखें, ये मैं अपील करता हूँ।